लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना है। अगर आपने 12th फेल मूवी देखी है और उस फिल्म ने आपको इंस्पायर किया है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसी ही एक और कहानी आ रही है एक फिल्म की सूरत में। लेकिन इस बार जिस इंसान की कहानी आप सुनेंगे उसके चैलेंजेस ना सिर्फ ज्यादा थे बल्कि बहुत मुख्तलिफ थे। झगड़ा महेश ने शुरू किया था। आ तो भाग जाता ना वहाँ से। कहा भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। एक इंसान जो अपनी मेहनत के बलबूते पे आज तो 150 करोड़ इंडियन रुपीज की इंडस्ट्री खड़ी कर चुका है, लेकिन एक वक्त था उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करते थे कि शायद वो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से कामयाब नहीं हो सकेगा। ये कहानी है श्रीकांत भोला की, जो कि इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक किसान फैमिली में पैदा हुए। श्रीकांत भोला पैदाइशी नाबीना थे। 10वीं क्लास के बाद श्रीकांत साइंस सब्जेक्ट में हायर स्टडीज करना चाहते थे, लेकिन स्टेट के कानून को फॉलो करते हुए स्कूल ने उन्हें साइंस में एडमिशन देने से मना कर दिया। मान नहीं रहे कॉलेज वाले। पर क्यों? विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा। रिपोर्टेडली ये कानून इसलिए रखा गया था कि ब्लाइंड बच्चे डायग्राम्स और ग्राफ्स जैसी प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकते, यानी श्रीकांत को उनकी डिसेबिलिटी की वजह से परमिट नहीं किया जा रहा था। बट बजाय कंप्रोमाइज करने के श्रीकांत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोर्ट गए, केस जीता और साइंस ही में स्टडी की। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीकांत ने उसी 12th क्लास में पूरे बोर्ड में 98% मार्क्स लेकर टॉप किया। 12th के बाद श्रीकांत ने कोशिश की कि इंडिया की मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग IIT में एडमिशन लें, लेकिन एडमिशन टेस्ट की एंट्री की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया, ये कहकर कि ये उनके बस की बात नहीं। सो यूं उनका IIT में एडमिशन का ख्वाब पूरा ना हो सका। लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना। इंडिया में टका सा जवाब मिलने के बाद श्रीकांत ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, तो वहां से उन्हें 5 ऑफर्स आए, जिनमें से श्रीकांत ने यूनाइटेड स्टेट्स की MIT यूनिवर्सिटी को चूज किया। श्रीकांत MIT के पहले फॉरेन ब्लाइंड स्टूडेंट बने। इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। यानी जिस लड़के को इंडियन कोचिंग सेंटर्स एडमिशन नहीं दे रहे थे वो यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा। जिस श्रीकांत को स्कूल की PT टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता था वो श्रीकांत इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में नेशनल लेवल पर जाकर खेला। साथ ही चेस कंपटीशन में भी श्रीकांत ने नेशनल लेवल पर जाकर खेला। अपनी महरूमियों को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपने जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए इदारा बनाया, जहां नाबीना लोगों के लिए ब्रेल प्रिंटिंग के साथ उनकी एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग की अरेंजमेंट की। और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है, आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। 2012 में श्रीकांत ने बोलेंट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी कायम की। इस कंपनी को रतन टाटा ने फंड किया। अपनी कंपनी में श्रीकांत ने अपने जैसे कई डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रोजगार दिया। आज इस कंपनी की नेटवर्थ 150 करोड़ इंडियन रुपीज है। जो फिल्म श्रीकांत की जिंदगी पे बनाई जा रही है उसका नाम भी श्रीकांत है, और उसकी लीड में है राजकुमार राव जैसे ब्रिलियंट एक्टर। फिल्म के ट्रेलर को अभी तक करोड़ों बार इंटरनेट पर देखा जा चुका है। 12th फेल की तरह इस फिल्म से भी काफी हाई होप्स हैं। अगर आपको लगता है कि श्रीकांत की स्टोरी किसी को इंस्पायर कर सकती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे जहां हम बॉलीवुड की गलतियों पे उन्हें कोसते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, वहां इस बात पे उन्हें अप्रिशिएट करना तो बनता है कि ये तरीका होता है कम अज कम अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने का। बहुत शुक्रिया।